मजे मजे के काम हमारे, एक्साइटिंग है खेल ये सारे। मजे मजे के काम हमारे, एक्साइटिंग है खेल ये सारे। चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं, खेल के पीछे क्या है देखते हैं। समझ सके हर चीज को हम बेहतर, खेलो सीखो ढूंढो। ये बच्चा पार्टी कैसा लग रहा है ये जगह? मजा आ रहा है। तो कोई आइडिया है क्या आज हम कहाँ हैं? इस्लामाबाद क्लब। यस, ओल्ड क्लब। ये है क्रिकेट एकेडमी। अच्छा मुझे बताएं कौन कौन सा बच्चा है जो क्रिकेट बहुत शौक से खेलता है? अरे अच्छा मुझसे भी पूछना चाहिए था क्योंकि जिलाल मैं भी बहुत शौक से क्रिकेट खेलती हूँ। बच्चों मुझे ये बताओ रुबैका बॉलर है या बैट्समैन है? बॉलर। गलत। खैरी बैट्समैन। अब हम एंटर हो रहे हैं बच्चा पार्टी। यस क्रिकेट एकेडमी। ओके टर्न लेफ्ट। ये देखिए अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं आपकी मेज़बान रुबैका अब्दुल फन फैक्टर के एक और बहुत ही ज़बरदस्त एपिसोड में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। यकीनन हमारे देखने वाले आज बिल्कुल उतना ही एक्साइटेड हैं जितना हमारी पूरी टीम एक्साइटेड है। हम आपको बता दें कि आज हम कहाँ हैं, मैं बताऊँगी या जलाल बताएँगे? मेरा ख्याल मैं ही बता दूँ तो कर। जलाल बता दें क्योंकि जलाल भी मेरी तरह बहुत एक्साइटेड है। अगर मैं ये कहूँ कि किंग ऑफ ऑल द स्पोर्ट्स क्रिकेट, और ये एक मास्टरपीस है जो आप पीछे देख रहे हैं, इस्लामाबाद क्लब ओवल एकेडमी। और मास्टरपीस इसलिए कि दिस इज़ अ मास्टरपीस डिज़ाइन एंड एक्सिक्यूटेड और हमारे कम्युनिटी को जो गिफ्ट हुआ है दैट इज़ बाय अहमद सुखेरा साहब। और एक ऐसा नाम है जिनका इस एकेडमी को, इस सिस्टम को, इस जगह को अपलिफ्ट करने के लिए जो इंतहा कोशिशों के साथ ये जो देख रहे हैं, आई वुड से दिस इज़ द बेस्ट एकेडमी, बेस्ट गिफ्ट फॉर द कम्युनिटी ऑफ इस्लामाबाद क्लब एंड इस्लामाबाद क्लब मेंबर्स। वो हैं नजीब सादिक साहब, जिनकी वजह से आज हम यहाँ पे हैं। और इस प्रोग्राम में आई एम श्योर कि यू लव दिस प्रोग्राम बिकॉज क्रिकेट इज़ द फन फैक्टर। और आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे हम सरप्राइज। अब यहाँ से आप बताइए। सरप्राइजेस तो आज बहुत सारे हैं और मुझे लगता है कि वो अगर हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए उसको डिस्क्लोज करें तो वो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन मुझे लग रहा है फन फैक्टर में आज जलाल मैं आप तो एक्साइटेड हैं क्योंकि हम सबका फेवरेट स्पोर्ट्स जो है वो क्रिकेट होता है। क्रिकेट जब कोई भी उसका सीजन शुरू होता है तो हम सारे काम एक तरफ रखते हैं और हम कहते हैं कि हमने क्रिकेट को एंजॉय करना। अच्छा मुझे फन फैक्टर की टीम के बच्चे बताया क्योंकि गाड़ी में मतलब ये कोई आज ना बाकायदा ये कह सकते हैं हम कि दिमाग खा गए हम कब पहुंचेंगे। मुझे ये वाला क्रिकेटर बहुत पसंद है, मुझे क्रिकेट में ये चीज़ करना बहुत पसंद है। अच्छा मुझे बताएं आप लोग कौन सा बच्चा जो है फन फैक्टर का बड़ा होके क्रिकेटर बनना चाहता है? ये बाकी बेचारे ये बड़े बच्चों का भी जिक्र हो ना, ऐसे छोटे बच्चों का जिक्र नहीं। अच्छा मुझे बताएं फेवरेट आपका जो क्रिकेटर है उसको फॉलो करते हैं? आपको पता है कि आपका जो फेवरेट क्रिकेटर है उसकी क्या एक्टिविटीज होती हैं स्पोर्ट्स में? यस और नो? यस। हाँ सो आई थिंक बच्चों को लिए चलते हैं हम। एक तो जाती किया आपने, बताइए जी क्या जाती होगी? टीम फीमेल्स का भी तो है इक्वली। मैन बैटिंग करना पसंद करेंगे या बॉलिंग? बैटिंग। वाह जी, फिर बॉलिंग मैं करूंगा। डन हो गया। ये रिकॉर्ड पे हो गया आज तो गेम है मेरी और जलाल की। और आई नो दैट गर्ल्स ही जीतेंगी। गर्ल्स हम जीतेंगे। हम आपको पूरा पूरा मौका देंगे। ठीक है बिल्कुल ठीक है। क्या ख्याल है रुबैका इनको लिए चलते फन फैक्टर की? यहाँ पर टीम जो हमारे साथ मौजूद है और एक टीम हमें देख रही है, सो आइए मिलकर आज के एपिसोड को एंजॉय करते हैं। हमारे साथ दीजिए, चले जी लेट्स गो। आजे और भाई मजा आ रहा है भाई आपको, एंजॉय कर रहे हैं? और कौन बनेगा क्रिकेटर लड़की? और हमारी पाकिस्तान की फीमेल टीम भी है, है कि नहीं? ओके हैं क्या? हरा देंगे जी, क्यों नहीं हरा सकते? आज आप देखें जरा। हाँ जी सो ग्राउंड लेट्स सी सो आज क्या एक्टिविटीज होने वाली हैं।
ये लाइटिंग देखते हैं, ये स्पेशल लाइटिंग है, ठीक है ना, जो हम कहते हैं ना रिक्वायरमेंट ऑफ द पीसीबी। इसी तरह यहाँ प्रॉपर रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशंस होते हैं कैमरे के, जैसे एक कैमरा जिसको कहते हैं स्पाइडर कैमरा हाँ, स्पेसिफिकली, क्योंकि ये जितने भी हम इंटरनेशनली मैचेस देखते हैं उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि इस तरह की कैमरा, इस तरह का फॉर्मेट हो, और ये स्पेसिफिकेशंस को जब हम कवर करते हैं फिर आपको लाइसेंसेस मिलते हैं। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट क्रिकेट खेलने के लिए है जैसे ये ग्राउंड जिसका नाम है ओवल क्रिकेट ग्राउंड ऑफ इस्लामाबाद क्लब, इसीलिए मैं कहता हूँ इट्स अ मास्टरपीस। और पिच है जहाँ बीच में देख रहे हैं वो पिच है, ठीक है, ये बाउंड्री है और ये बॉल, ठीक है ना। नहीं नहीं ये तो नहीं होगा ना अभी वहाँ पे, बिल्कुल अब आपको हम ले जाएंगे, ठीक है, अब लोग आपको सिखाएंगे कि बॉलिंग किस तरह की जाती है, क्रिकेट में बैटिंग किस तरह की जाती है, एंड हाउ टू गो अबाउट इट। तो क्या ख्याल है, ले जाए इनको, तैयार हो? यस, लेट्स गो, आ जाओ भाई, चलो। खतरों से तुम अब मत डरना, जो जी चाहे वो सब करना, बस्तेबाज मनाया। ओके, कोई देखो ये यहाँ पे ट्रेनिंग हो रहा है, ठीक है ना? क्या जबरदस्त एक्टिविटीज हो रही हैं। रावलपिंडी एक्सप्रेस क्या अच्छी एक्टिविटीज हो रही है। कैप्टन ऑफ द टीम मैं बताऊँ, हमजा क्या करते हैं, वो अंडर 19 में भी दो दफा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है जी। उसके बाद उनका कैरियर सिर्फ क्रिकेट तक महदूद नहीं है, ही इज अ टॉपर इन एजुकेशन। वाओ, सो एजुकेशन इक्वली इंपॉर्टेंट है किसी भी स्पोर्ट्स के साथ, एंड द फ्यूचर क्लास ऑफ क्रिकेट। सो अब हम देखते हैं हमजा सादिक कहाँ है। हमजा, हे, देयर ही इज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हमजा, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूं मैं, नजर आ जाता हूं। क्या हाल है सबका? माय होस्ट रेबेका और हमारी टीम, दे क्रेजी अबाउट क्रिकेट एंड दे आर जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू। और बहुत सी टिप्स आज हमने आपसे लेनी है। वंडरफुल, ये क्रिकेट बेसिकली फुल टाइम एक प्रोफेशन है, तो जो लोग ज्यादा इन्वॉल्व जाते हैं वो पढ़ाई को नेगलेक्ट करते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि आई कैरी बोथ ऑफ देम, तो मैंने यूके से अंडर ग्रेजुएट किया है, ठीक है। तो ये मुश्किल नहीं था? काफी मुश्किल होता है बैलेंस करना। अच्छा, आपका एक तरफ करियर अंडर 19, फिर उसके बाद रिप्रेजेंट करते हैं ऑस्ट्रेलिया में ट्वाइस पाकिस्तान को, ठीक है, और उसके बाद कैसा डिसीजन था कि अचानक ही आप जाके एजुकेशन में भी एक टॉपर बनते हैं और यू आर अ कैप्टन ऑफ द टीम? कैप्टन ऑफ क्वीन मैरी, क्वीन मैरी मेंस क्रिकेट टीम फॉर टू स्ट्रेट इयर्स। वाज़न्ट इट वेरी डिफिकल्ट? इट वाज वेरी डिफिकल्ट, मेरी चूंकि पढ़ाई शुरू से ही इट वाज साइड बाय साइड विद क्रिकेट, ठीक है, तो मुझे काफी मुश्किल नहीं हुई, ठीक है। ये जो बच्चे हैं इनको ज़रा आप बताना पसंद करेंगे, गाइड करना पसंद करेंगे कि ये जो क्रिकेटर बनना चाहते हैं कि स्पोर्ट्स का क्या रोल है और एजुकेशन का क्या रोल है, ये जो हमारे बच्चे हैं ये आपके ज़बानी सुनना चाहेंगे। एजुकेशन, मेरी तो यही एडवाइस होगी कि प्रायोरिटी शुड बी एजुकेशन। एजुकेशन के साथ अगर आप क्रिकेट चला सकते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन पढ़ाई पर फोकस करें आप सारे और क्रिकेट साथ चलती रहेगी। अच्छा, एक और चीज़ बताइएगा कि ये बच्चे सोचते हैं कि खाना पीना तो कोई हिस्सा नहीं है, आपको बॉलिंग अच्छी आनी चाहिए, बैटिंग अच्छी आनी चाहिए, तो क्या डाइट का भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल है? एब्सोल्युटली, डाइट आप कम से कम कार्ब्स कम करें, प्रोटीन ज़्यादा करें, अगर आप खा भी रहे हैं तो उसे बर्न करें, जब आप आते हैं ग्राउंड में तो वार्म अप करें, वर्कआउट करें पहले, फिर आप अपनी गेम शुरू करें। एक आखिरी सवाल कर सकते हैं प्लीज? तैयार? ऑलराउंडर हो, बैट्समैन हो या बॉलर? मैं बैटिंग ऑलराउंडर। बैटिंग ऑलराउंडर, मेनली बैट्समैन और बॉलिंग भी करता हूं। अच्छा, तो अभी पूछें कि क्या दिखाने वाले हैं, क्या एक्टिविटी आज आप? ये बच्चे और रुबेका सब आपके हवाले जी। चलें जी, आ जाए फिर। राइट, देयर वी गो। ढूंढो फन फैक्टर, फन फैक्टर, फन फैक्टर, फन फैक्टर।
सिंथेटिक बॉल है ये बेसिकली बॉलिंग मशीन है। ये प्रैक्टिस के लिए यूज होता है। आप जब मेन नेट में बॉलर्स को फेस कर रहे होते हैं तो आपकी कोई एक शॉट अगर वीक हो, फॉर एग्जाम्पल लेग साइड पे या ऑफ साइड पे, कट पुल जो भी आपकी वीक हो, तो आप बॉलिंग मशीन पे आते हैं, सेट करते हैं एक स्पॉट पे, एक स्पीड फिक्स करते हैं, स्विंग फिक्स करते हैं और उस एक शॉट को आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपकी वीकनेस आपकी स्ट्रेंथ। अच्छा, इसमें सिर्फ स्पीड को कंट्रोल कर रहे हैं या इसमें स्विंग को भी कंट्रोल कर रहे हैं? इसमें स्पीड, स्विंग, लाइन, लेंथ सब कंट्रोल होता है जिस तरह आपने खेलना है। वो मतलब इन स्विंगर कहते हैं, आउट स्विंगर कहते हैं, क्या वो भी कंट्रोल होता है? वो भी होता है, इनफैक्ट स्पिन भी इसमें आप खेल सकते हैं। हमजा, मुझे ये बताएं कि आप क्रिकेट का फ्यूचर, खासतौर पे ये यंगस्टर्स के फ्यूचर, आप अपना फ्यूचर क्या देखते हैं? क्रिकेट का फ्यूचर पाकिस्तान में तो काफ़ी स्कोप है क्रिकेट का, लेकिन एट द सेम टाइम कम्पिटिटिव है काफ़ी। मतलब इतनी हमारी कंसिडरिंग द पॉपुलेशन और जितने लोग क्रिकेट खेलते हैं, आसान बात नहीं आगे टीम में अंदर एंटर करना, लेकिन If you're working hard और अगर आप passionate हैं तो कोई भी कर सकता है। So Fun Factor की टीम आपको बहुत सी best wishes देती है और आप जहाँ भी जाएं पाकिस्तान को represent करें, हमें proud feel करवाएं। अभी हम कहाँ कहाँ पे हैं जी इस वक्त? ये main ground है, इधर summer camp चल रहा है बच्चों का। ये हमारे कोच हैं सर आसिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? तो हम आपको मिलते हैं बाद में, हम जा रहे हैं फिजिकल एजुकेशन की तरफ। ठीक है जी, रेडी? यस। थैंक यू सर। ओके, सबसे पहले हम वार्म अप से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वार्म अप जी। ओके, लेट्स स्टार्ट। मजे मजे के काम हमारे, एक्साइटिंग है खेले सारे। मजे मजे के काम हमारे, एक्साइटिंग है खेले सारे। चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं, खेल के पीछे क्या है देखते हैं। सो समझ सके हर चीज, ये बच्चों देख रहे हैं एक आहिस्ता आराम आराम से ताकि ये डिस्टर्ब भी ना हो। उधर नहीं, इस तरफ से आराम। एक मिनट, पहले उनको देख लेते हैं, ये देखते हैं कि क्या कर रहे हैं। एक मिनट, ठीक से देख लो भाई। अच्छा, ये टीम है अंडर 10। अब जरा हम कोच की तरफ जाते हैं। ये टोपी पहनी हुई मुझे कोच ही लग रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? ठीक ठाक, बिल्कुल। और आप ठीक हैं, खैरियत से? मैंने देखा कि अंडर टीम हमारी फ्यूचर पाकिस्तान टीम प्रैक्टिस कर रही है, उससे बड़ा सरप्राइज मिला। इधर देखा कि फीमेल जो है उनको बस ग्रास रूट लेवल पे हम काम करेंगे तो तभी इम्प्रूवमेंट आएगी। बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि मैं ये देख रहा था कौन भी है जी। ये चीज थोड़ा सा इज समथिंग न्यू, ये जो सर्कल में जी, तो जरा एक्सप्लेन करेंगे कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस एंड बेनिफिट्स हैं क्रिकेट में। डिफरेंट कोन्स के साथ सेटअप लगाए हुए हैं। ठीक है, बच्चे आपको पता है बोर हो जाते हैं जल्दी। ठीक है, तो इस तरह की ड्रिल जो है उनके लिए प्रिपेयर करनी पड़ती है ताकि बच्चे जल्दी बोर ना हो। कितना टाइम फिजिकल पे और उसके बाद कितना टाइम आप इनको बैटिंग बॉलिंग की तरफ लाते हैं? ये इनके होते हैं बेसिकली 20 मिनट्स इनके होते हैं वार्म अप के। ये वार्म अप सेशन में ही हम लोगों ने एजिलिटी ड्रिल रखी हुई है 20 मिनट्स जी इनका, क्योंकि 1 आवर और हाफ 1.5 आवर का इनका होता है कैंप। ठीक है, तो उसमें हाफ आवर जो है उसमें हम लोग ये वार्म अप भी हो गया, ये ड्रिल्स भी होगी, फिर इसके अलावा फिर जो आगे 1 घंटा रह जाता है उसमें स्किल वर्क करते हैं। एक दिन बैटिंग हो जाती है, एक दिन बॉलिंग के ऊपर काम होता है, एक दिन फील्डिंग के होते हैं। तो अब हम हम एक्टिविटीज आई थिंक चलते हैं, हम जरा उधर जो ट्रेनिंग हो रही है जो बैटिंग बॉलिंग थोड़ा प्रोफेशनल की तरफ। ठीक है ना जी, अब ओके बताते हैं कि खेल ठीक है कैसे है। इजाजत है जी, और शुक्रिया जी। थैंक यू। रेडी? यस, लेट्स गो।
जी बच्चों, बात हो रही है आई थिंक नेट प्रैक्टिस, यहाँ नेट प्रैक्टिस और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ देखते हैं कि जो नेट प्रैक्टिस हो रही है उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का क्या रोल है। आइए जी, बिल्कुल। एक मिनट, वो देखें वो कौन है, कौन है किड्स पर, कौन है? हमजा है। हाँ, हमजा की तरफ जा रहे हैं। सारी चीजें उन्होंने अपने पास रखी हुई है, ये क्या सब इक्विपमेंट है बताएं, ये सारी चीजें जो आपने रखी है कैसे कब यूज करनी है? जी तो बेसिकली ये क्रिकेट का किट बैग होता है, जैसा आप देख सकते हैं काफी ज्यादा इधर किट बैग पड़े हैं। किट बैग जब आप खोलते हैं सबसे पहली चीज तो आपके पैड्स होते हैं, ठीक है, जो आपकी लेग्स कवर करती हैं सारी। कैसे आप इसको जरा हमें बताएं? मैं आपको पहन के दिखाता हूं। जी। इसमें तीन स्ट्रैप्स होते हैं। ओके। तो इसको ये पैड हो गया, इसके ऊपर अब थाई पैड आ जाता है, ठीक है। ये पाकिस्तानी ब्रांड है हमारा, जो ये बना हुआ है जी, आपने जो पहना हुआ है ये सीए का पाकिस्तानी ब्रांड है। अच्छा, पाकिस्तान में तो मतलब वन ऑफ द बेस्ट इक्विपमेंट है। ये तो आपके शिन को कवर किया, नी को कवर किया, और ये थाइस, ये थाइस को बच्चा पार्टी देख रहा है भाई, हैं ये थाइस का हो गया, ठीक है, दोनों थाइस आपकी कवर करती हैं, ये दूसरा पार्ट उधर आ जाएगा। फिर इसके अलावा कुछ चीजें ऑप्शनल होती हैं, अगर आपको ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए तो ये आर्म गार्ड होता है, ये मैं पर्सनली पहनता नहीं हूँ, मैंने किसी को दिया हुआ था, तो ये उसके बाद आ जाता है आपका हेलमेट। तो ये सेफ्टी है, ये सेफ्टी है, ये आपको बचाता है, और हेलमेट आजकल इतने एडवांस हो गए हैं कोई इंजरी होती है, ये ग्लव्स हैं, और हर बैट्समैन के लिए ज़रूरी होता है कि दो तीन पेयर्स हों ग्लव्स के, क्योंकि जब आप ज़्यादा टाइम के लिए खेलते हैं तो गीला हो सकता है, फिर ओके चेंज करना पड़ता है। उसके अलावा ये मेरे पास तीन बैट्स हैं, एक दो और तीन, एक मैं नेट के लिए प्रैक्टिस के लिए यूज़ करता हूँ, और फिर मैच के लिए मेरा दूसरा लेदर बैट। तो क्या इसमें भी कुछ डिफरेंस है कि आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका बैट और हो, या इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता? जो प्रैक्टिस का होता है वो मतलब थोड़ा सा रफ होता है, जैसे आप देख सकते हैं थोड़ा सा चिप भी हुआ हुआ है, लेकिन जो मेरा मैच का बैट है मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, वो बड़ा पैक किया हुआ है जी, ये अच्छा, ये मैच वाले में क्या फर्क है? मैच वाला रेडी है खेलने के लिए, यहाँ कहीं से चिप नहीं हुआ होगा, नीट है, बिल्कुल नीट है ये रन करने के लिए। एक क्वेश्चन, इसका वेट जरा दिखाया है ना, ट्रेनिंग आप इस पे कर रहे हैं? ट्रेनिंग इस पे करता हूँ, एक्चुअल इस पे खेल रहे हैं तो है एक चीज, अच्छा एक ही है, मतलब ये यूज कर करके ना रफ हो चुका है तो वो उन्होंने प्रैक्टिस के लिए, लेकिन आदत आपका इस पे लगा हुआ है दोनों की, क्योंकि वेट सेम है, आप ही के हाथ में जैसा लग रहा है। ये क्रिकेट का किट, इतना हर इंडिविजुअल का अपना किट बैग होता है और अपना सामान होता है, ये क्रिकेट के जूते हैं ये उसके साथ। अच्छा, कितने हार्ड है ये देखें जी, ओ देख लो भाई बच्चों, ये देख रहे हैं आप, देख रहे, एज बना हुआ इस पे, ये राइट, ये तो जबरदस्त है ना। ओके, और इसके अलावा ग्रिपर्स भी होते हैं, ग्रिपर्स, अच्छा व्हाट इज द डिफरेंस जी ग्रिपर्स में और इसमें क्या डिफरेंस जी? अगर ग्राउंड में ड्यू हो, मतलब ऑस हो घास पे, तो ये आपको स्लिप होने से बचाते हैं, आप तब ग्रिपर्स नहीं यूज कर सकते, अगर ड्राई है सिर्फ, मेनली मैं प्रैक्टिस के लिए यूज करता हूँ ग्रिपर्स, और मैच में मैं ये। चले, थैंक यू हमजा, और बहुत कुछ हमने यहाँ पर देखा, उसका थैंक यू सो मच हमजा, ग्रेट ग्रेट जी। तो नाज़रीन, देखा कि आज बच्चों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया है, इन्जॉय करने के बाद इनकी जो शक्लें हैं ना, ऐसे थकी हुई हैं, चेहरे ऐसे उतरे हुए हैं, क्यों थक गए हैं, बड़ा शौक था क्रिकेट खेलने का। अच्छा मुझे एक बात बताएं, फन फैक्टर के किड्स, आप लोग अभी भी अपनी उसी बात पे कायम है जिन बच्चों ने कहा है उन्होंने क्रिकेटर बनना है? जी नहीं, आवाज में वो जान नहीं है जी, थक गए क्रिकेटर बनना है जी, यार आवाज क्या हो गया, अच्छे भले आए तुम लोग, हाँ थक गए ना, अच्छा सच बताए थक गए, कौन कौन थक गया अपना हाथ खड़ा करे, मैं तो नहीं थकी सॉरी। जाहिर सी बात है, फील्डिंग की उन्होंने खेला, ट्रेनिंग किया, ये अब तकरीबन हम 4 बजे के यहाँ से आए हुए हैं, और वी रियली लव्ड इट, क्योंकि
बच्चों ने तो खेला है, हम भी इनके पीछे पीछे भाग रहे थे, क्योंकि क्रिकेट देखने में तो बड़ा आसान लगता है, बट यू हैव टू बी फिजिकली सुपर फिट। यस, जैसे कि रुबेका। यस मैम, देखिए मैं बिल्कुल नहीं थकी, ये कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ बच्चे हैं, नौजवान कहाँ थकते हैं, अच्छे वो तो इस कैटेगरी में है ही नहीं इस तरफ है। लेकिन हम आपसे यही कहेंगे कि जब भी आप कोई भी खेल खेलना चाहते हैं, उसके लिए आपको जो है तमाम तरह प्रिकॉशंस उनको फॉलो करना है, और इसी के साथ साथ क्या एक्सरसाइजेज हैं उनको ज़रूर मद्देनज़र रखना है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अब हम आपसे चाहेंगे इजाज़त, क्योंकि बहुत थक चुके हैं फन फैक्टर के बच्चे, मुझे लग रहा है घर जाके ये ख्वाबों में देखेंगे क्रिकेट खेल रहे हैं। वैसे सच को तो तबीयत साफ होगी, है ना, इतना बड़ा ग्राउंड। ओ, एंड आई होप कि आपने भी एंजॉय किया होगा फन फैक्टर में। मेरे ख्याल है टाइम टू रैप अप। बिल्कुल जी, चाहेंगे इजाजत, तैयार हो भाई, फन फैक्टर के अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर गाइस। हम हैं खिलाड़ी नहीं, किसी खौफ से झुकना नहीं, थकना नहीं, रुकना नहीं, किसी खौफ से झुकना नहीं। Let us find our character. खेलो सीखो ढूंढो।